हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स का डे नंबर 008। इनकम टैक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मजा आ रहा है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ऐसा सब्जेक्ट जिसका बेस भी नहीं था, थर्ड ईयर बीकॉम में या फिर एसवाई बीबीए में आ गए, लेकिन अब तक ना स्कूल में कुछ बेस था, ना कॉमर्स 11th 12th में था, कुछ भी नहीं। जिसकी आइडिया है जीरो, लेकिन जिसमें कंसेप्ट है बहुत सारी, मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। और हाँ, इसमें जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने लगेंगे, जैसे आज से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत दिनों से थ्योरी देख रहे हैं, शायद से आपको लग रहा होगा ये एपिसोड्स अटेंड करने की, सर टैक्स में तो बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन आज से आपको रियलाइज होगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने के पहले कितना जरूरी है थ्योरी समझना। क्योंकि थ्योरी अगर वो कंसेप्ट एक बार समझ लो कि इसमें क्या करना होता है, तो डेफिनेटली आप मेरे स्पीड से और मेरे साथ सॉल्व कर सकोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम एचपी आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। उससे पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है। माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। देखो, पूरी जनता एक डायरेक्शन में जा रही है और एक बंदा जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जो अकेला है, जो अलग है, क्या चीज है ऐसी जो उसको अलग बनाता है भाई। इलॉन मस्क वन ऑफ द नहीं, आज के डेट में रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उन्होंने ऐसा क्या अलग किया पूरी दुनिया में, वो एक अलग आइडेंटिटी क्यों क्रिएट हो रही है। अगर हम देखो 100 लोगों की भी भीड़ रही तो एक पर्सन फॉर एग्जांपल कोई ना कोई ऐसा होता है जो यूनिक होता है, जो अलग होता है। क्या चीज है, कौन सी चीज है। वन कॉमन थिंग इन एवरी बिग पर्सनैलिटी इज माइंडसेट। फिर वो इंडिया का हो, फॉरेन का हो, एपीजे अब्दुल कलाम जी हो, रतन टाटा जी हो, कोई भी देख लो, अगर वो अलग बने हैं, उनकी आइडेंटिटी बनी है, उनका आज नाम है, वो उनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है, रीजन इज देयर माइंडसेट। उनको उनका चीजों के पास देखने का कुछ अलग ही नजरिया होता है बच्चों, एकदम एटीट्यूड ही अलग होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल चारों ओर से हमें सैनिकों ने घेर लिया है, मतलब अटैक होने वाला है हम पे, चारों ओर से घेर लिया है, अब क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, तब एक एटीट्यूड बोलता है अरे हम तो हार गए, हम तो खत्म हो गए, ये हमारा लास्ट फाइट होगा, इसके बाद हम बच ही नहीं सकते क्योंकि चारों ओर से घेर लिया है। लेकिन दूसरा एटीट्यूड बोलता है अरे क्या बात है, चारों ओर से घेर लिया है, कहीं पे भी अटैक करो, लोग मरने वाले हैं। राइट, दिस इज जस्ट माइंडसेट। ओके, सो बी विद द पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, ऐसे ही माइंडसेट रखो, वैसे टैक्सेशन में भी माइंडसेट की जरूरत है। नया सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें तो कुछ आता ही नहीं है, अरे आएगा यार, माइंडसेट चेंज करो। टैक्सेशन इज द सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छे स्कोर दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलो आज का पार्ट बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। लेकिन आज देखने क्या वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लो, कंटेंट में लिखा हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन इनकम फ्रॉम एचपी। ओके, इनकम फ्रॉम एचपी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, सर 5 क्वेश्चन हो गए। यस बच्चों, हो गए, जिसमें हमने सिर्फ जीएवी देखा था, मतलब प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन थे वो भी, लेकिन उसमें जीएवी दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू वहां तक का कैलकुलेशन था। लेकिन आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। वापस एक बार फॉर्मेट याद दिला दो आपको, इनकम फ्रॉम एचपी अगर कैलकुलेट होना करना है, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम एचपी, तो हर क्वेश्चन में हमें लगेगा यही फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी लेस म्यूनिसिपल टैक्स जो आ गया उसे बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। दो डिडक्शन है, फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एंड सेकंड वाला क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये लेस करने के बाद एंड में जो कंक्लूजन आएगा, दिस इज इनकम फ्रॉम एचपी, हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है वैसे तो, लेकिन हमारे लिए एचपी का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले भी क्वेश्चन हुए हैं बच्चों, लेकिन वो सिर्फ जीएवी वाले थे। ओके, एचपी कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम एचपी मतलब फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे वाले क्वेश्चन अब से स्टार्ट हो रहे हैं। अब तक जो क्वेश्चन देखे थे हमने वो ट्रेलर था बच्चों, मतलब ऐसे एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, ये एग्जाम वाले क्वेश्चन सर, लेकिन वो देखा ही क्यों बच्चों, समझेगा आपको। चलो, मयूर ओन्स 2 हाउसेस, क्या बात है, मयूर भाई के 2 घर। ही हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। ओके, तो फाइनेंशियल 2021 की इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, और मयूर भाई के 2 घर है, मतलब नहीं रे बच्चों, घर वाली बाहर वाली नहीं रे, अरे यार थोड़ा टैक्स के बारे में सोचो रे, मतलब मैं कुछ बोलने के ही देर है, बस आप निकल ही जाते हो एकदम आगे के लेवल में, ऐसे सीरियल्स टीवी देखना बंद करो, ये ख्याल बंद करो। यहाँ पे बस इनकम टैक्स के हिसाब से भाई के पास 2 प्रॉपर्टी है, एक ही घर में रहता है भाई, एक ही वाइफ है उसकी, लेकिन 2 घर है, हो सकता है ना अच्छे पैसे होंगे तो 2 घर ले लिए। सो देखो, फर्स्ट हाउस, इट्स म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 1 लाख की बात है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है,
ही यूजेस इट फॉर हिज रेसिडेंस. ओके, वो घर वो खुद के रहने के लिए यूज करता है. ही हैज पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2,000 एंड म्यूनिसिपल टैक्स ₹10,000. ओके, तो हमें म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे दिया. सेकेंड थिंग ये भी दिया कि ये घर वो खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हैं, साथ में म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट और फायर इंश्योरेंस वगैरह की इंफॉर्मेशन दे दी. ही हैज ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 16,000. ओके, तो इन्होंने होम लोन वगैरह लिया होगा जो भी है, तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 16,000. ठीक है, ये था हाउस वन की कहानी. हाउस टू की भी सुन लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे. सेकंड हाउस के बारे में क्या बोला है, देखो, इट्स म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज ₹60,000. ओके, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे दिया, मतलब जीएवी में काम में आएगा ना आगे. एंड हैज बीन लेट आउट एट अ रेंट ऑफ ₹6,000 पर मंथ. मतलब ये घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है? क्लियर चीज है सर, लेट आउट है. क्लियर दिया है ना यहाँ पे, नाम के साथ दिया है कि 6,000 पर मंथ रेंट पे दिया है, तो नो कंफ्यूजन. ठीक है, नेक्स्ट, ही हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस. और उन्होंने कुछ पेमेंट किए हुए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस. ये जो रेंटेड हाउस है सेकंड वाला, उसके रिलेटेड कौन सा खर्चा किया, देखो, फर्स्ट इज म्यूनसिपल टैक्स, देन रिपेयर्स का एक्सपेंस है, देन लीगल एक्सपेंस है, देन एनुअल चार्जेस है, देन रेंट कलेक्टर की सैलरी है, और साथ में दिया हुआ है हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 2 months, और 2 महीने घर वैकेंट भी था. ओके, ₹20,000 कुड नॉट बी रिकवर. अरे बाप रे, बहुत कुछ हो गया रे. सेकंड लास्ट लाइन रीड करो बच्चों में, ₹20,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट ड्यूरिंग द ईयर. तो उस टेनेंट ने 2 महीने का रेंट भी डुबा दिया. कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस ही बच्चों समझ लो, हाउस प्रॉपर्टी फॉर द ईयर AY 21-22. ओके, AY 21-22 ये तो कांस्टेंट रहेगा, मैंने आपको बोला हुआ ही है. हमें क्या करना है, कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP. बच्चों आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं था, आज तक सिर्फ GAV था, अभी क्लियर कर दिया है, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP. ओके, तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे पहले जो पूछा है ना बच्चों, वो बनाया करो, ठीक है, फिर वर्किंग नोट बनाएंगे. सो करते हैं फॉर्मेट ड्रॉ. ये कैसा होगा फॉर्मेट, अरे अभी तो देखा ना टेबल, तो लेट्स सी. पहला क्वेश्चन है, मैंने कुछ ड्रॉ नहीं करके रखा है, आपके साथ ही ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दो. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, क्या नाम है, मयूर ना, ऑफ मिस्टर मयूर, साथ में नीचे लिखो प्रीवियस ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2020-22 सॉरी. सो प्रीवियस ईयर मतलब जो साल चल रहा है 2021 के डिटेल से, और असेसमेंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर होता है जिस साल हम एक्चुअल में इनकम असेस करते हैं और फिर टैक्स पे करते हैं, तो असेसमेंट ईयर है 2021. ठीक है, ये लिख लिया. अब टेबल करेंगे ड्रॉ. टेबल ड्रॉ करने के पहले देख लो कितने घर है, 2 घर, राइट. सो पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम. सर 4 घर रहे तो पर्टिकुलर्स और 4 कॉलम, सिंपल. पर्टिकुलर्स और जितने घर उतने कॉलम, राइट. चलो तो फटाफट से ड्रॉ कर रहा हूं मैं भी आपके साथ. 10 लाइन लगेंगे नियर अबाउट बच्चों, 10 लाइन के हिसाब से फॉर्मेट ड्रॉ करो. क्या हो गया, वैसे अटक क्यों गया, फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हो आप और हम फटाफट से. पहला क्वेश्चन है ऑफकोर्स बच्चों, तो थोड़ा सा आपको भी क्वेश्चन मार के कैसे कैसे करें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 10-12 लाइन्स का ड्रॉ करो, बाद में आपको अंदाजा आने लग जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट बच्चों, इसका एक प्लस पॉइंट है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा. क्वेश्चन आएंगे ऑफकोर्स, क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे, थोड़ी सी लेवल डिफरेंट आएगी, हमें सोचना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेट नहीं बदलेगा. चलो अगर नहीं बदलेगा तो मैं भी कॉपी करके रखता हूँ ना, मुझे भी काम में आएगा.
तो फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स हाउस वन हाउस टू, हाउस वन के ब्रैकेट में बच्चों ये लेट आउट या सेल्फ ऑक्यूपाइड है हाउस वन? यस सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और सेकेंड वाला जो है वो लेट आउट है। ओके चलो अब तक तो कैलकुलेशन सब कुछ बाकी है लेकिन फॉर्मेट तो फिक्स है मैंने बोल दिया तो फॉर्मेट तो लिख लेते हैं ना। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों, नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट एग्जाम में, नो शॉर्टकट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इवन ब्रैकेट में मैं जीएवी भी लिख रहा हूं, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस फिर आ गया नेट एनुअल वैल्यू। जैसे आप जिस भी धर्म के हो आपको आपका धर्म का वो मंत्र वगैरह आता है ना, किसी को गायत्री मंत्र आता है किसी को नौकार मंत्र आता है, जो भी आता है ये भी लर्न कर लो, ये भी आपके लिए मंत्र ही है, 10 मार्क्स के वाला 10 मार्क्स देने वाला मंत्र है भाई। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 यस यूएस बच्चों यहां पे अंडर सेक्शन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यूएस यू स्लैश एस और वो शॉर्टकट नहीं बोल सकते उसे, वो एक्सेप्टेड है, मतलब वो एग्जाम में भी वैसे लिखते हैं बुक में भी वैसे लिखते हैं तो कोई टेंशन नहीं है कि आप शॉर्टकट मार रहे हो, ऐसा कुछ नहीं उसमें। ठीक है उसमें रोमन वाला वन निकाल के स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% ऑफ एनवी। अरे 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 स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% ऑफ एन ए वी। ओके रोमन टू, रोमन टू क्या है? इंटरेस्ट ऑन, यस 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 सही जा रहे हो बच्चों, बोरोड कैपिटल ये लेस करके आता है इनकम फ्रॉम, यस इनकम या लॉस जो भी रहेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके चलो यहां तक मैंने फॉर्मेट लिख लिया, अब सबसे पहले सोचते जीएवी। सर जीएवी की तो प्रैक्टिस हो चुकी है, आप भी निकाल लेंगे जीएवी। बच्चों निकालने के पहले ही एक पॉइंट बता देता हूं याद रखना, वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है लेकिन डेफिनेटली आप भूल चुके होंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं और याद भी देता हूं। जीएवी कैलकुलेशन के लिए 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 क्या बोला हुआ है? जीएवी ऑफ कहीं तो भी था यार, जीएवी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज नहीं दिख रहा। ठीक है याद रखो बच्चों, जीएवी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज नील, डायरेक्ट जीरो, मतलब उसमें ना आप कैलकुलेशन करो ही मत, वो आप म्यूनिसिपल रेंट दिया है सर दिया है तो ले लेते, क्यों लेते भाई कुछ कुछ भी नहीं मतलब, तो यहां पे डायरेक्ट नील लिख रहा हूं मैं, कोई संबंध नहीं। ठीक है और हाँ ये भी याद रखना म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में क्या दिया है, म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में मैंने पढ़ा था ये तो कन्फर्म, वापस एक बार आपको दिखा रहा हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बार बार ऊपर आके मैं नोट्स में दिखा रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट टाइम तो डायरेक्ट बताऊंगा मैं। ठीक है हाँ किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ ये रहा म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज नॉट डिडक्टेबल, बोले तो लेस करने का इच्छा नहीं है, क्यों नहीं करने का? क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच लिया था जीएबी जीरो है तो उसमें से क्यों लेस करेंगे, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस में के वहां पे भी नील, नील किस नील से अच्छा नॉट एप्लीकेबल लिखो बच्चों, मतलब नॉट एप्लीकेबल लिखने का रीजन क्या है कि इसमें से समझ रहा है कि म्यूनिसिपल टैक्स है पे नहीं किया ऐसा नहीं है लेकिन एप्लीकेबल नहीं है ना इसलिए हमने लेस नहीं किया, तो नील माइनस नॉट नॉट एप्लीकेबल कुछ अलग नहीं होता नील ही होगा। ओके उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% बच्चों, ये 30% किसका होता है? एनएवी का, एनएवी कितना है नील,
उसका 30% 0.3 नील नहीं 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 ऐसा कुछ मत करना बच्चों, आज कुछ तूफानी करते हैं, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा ऐसा कुछ किया तो ऐसा कुछ करना है नहीं नील, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट वाला क्या रहा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। यस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में क्या दिया है, हाउस नंबर वन में देखो आप, ही हैज ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, कितना है 16,000। अगर आपको याद होगा बच्चों, चार कंडीशन चेक करनी पड़ती है, अगर वो चारों कंडीशन फुलफिल हो गई तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का लिमिट कितना है 2 लाख, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो 30,000, ये है कितना 16,000। अरे कंडीशन नहीं भी फुलफिल हुई 16,000 तो लेने वाले ना, तो क्यों दिमाग लगाना है, समझ रहे हो। वो चेक करना ही नहीं कि वो लोन 1/4/1999 के बाद लिया या फिर कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, अरे कुछ मत चेक करो। अगर यहां पे 16 की जगह 46,000 होता ना तो मैं चेक करता, क्यों, क्योंकि 30,000 का लिमिट है ना भाई, देखना पड़ेगा, कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो 30 पे लाएंगे, अगर हो गई तो 46 लिख देंगे, राइट। लेकिन यहां पे 16 ही है तो कोई टेंशन नहीं, नो नीड टू अप्लाई एनी कंडीशन, 16,000 लेस करेंगे। सर लेकिन ऊपर तो नील है, अरे होने दो ना यार, होने दो ना, यहां से 16,000 लेस करेंगे और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा निगेटिव 16,000। ये हो गई कहानी हाउस नंबर वन की, हाउस झाली याच्यात, नहीं नहीं याच्यात नहीं, जर याच्यात मजा झाली, हाउस तो आता होईल हाउस नंबर टू में, ओके। क्योंकि एक एक स्टेप, सबसे पहले जीएवी निकालेंगे, जीएवी निकालने के लिए वर्किंग नोट नंबर वन बच्चों याद रखना, टैक्सेशन में वर्किंग नोट के लिए और नोट लिखने के लिए कोई कंजूसी नहीं, कोई कंजूसी नहीं, एकदम दिल खोल के सब कुछ क्लियर कर लिखो, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। जब टैक्सेशन का पेपर चेक किया जाएगा तो केकेसीए वाले स्टूडेंट और अदर स्टूडेंट में फर्क होना चाहिए, ओके। सो कैलकुलेशन ऑफ जीएवी स्टेप नंबर वन, क्या था स्टेप नंबर वन, यस यस यस, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर ना। पहले देखते हैं बच्चों म्यूनिसिपल वैल्यू है कितना, देख सकते हो आप सेकंड हाउस म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज 60,000, ओके। और फेयर रेंट देखो ना बच्चों कहीं पे दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में, सर लेट आउट एट 6,000, हाँ ये तो एक्चुअल रेंट है ना बच्चों, उन्होंने 6,000 पे दिया, 6,000 रेंट पे किसी को दिया, वो तो एक्चुअल वाला हो गया ना, फेयर नहीं बोल सकते उसे, तो दिस इज नॉट फेयर मतलब बच्चों रेंट कलेक्टर सैलरी अलग पार्ट है, ऐसा कुछ एज्यूम मत करना, फेयर रेंट मतलब फेयर रेंट ही नाम रहेगा, ऐसा उसको कुछ अलग नाम नहीं है, समझ रहे हो। तो नहीं दिया है फेयर रेंट, ठीक है, नहीं दिया तो नॉट एप्लीकेबल। व्हिच एवर इज हायर, तो इसका कंक्लूजन आ गया 60,000, यू हैव टू कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन में। चलो बच्चों फटाफट से 10 सेकंड के अंदर बताओ स्टैंडर्ड रेंट दिख रहा है क्या नहीं, कहीं पे भी नहीं है स्टैंडर्ड रेंट नाम दिख रहा है क्या, तो दिमाग लगाने कहीं नहीं, एक्चुअल रेंट होता है बच्चों, जिस देखो अगर दिया है ना उन्होंने लेट आउट प्रॉपर्टी एट 6,000 पर मंथ, इट मींस इतने पे दिया है, एक्चुअल वाली बात है भाई, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड रेंट क्लियर कट दिया रहेगा, हमें कभी कैलकुलेट नहीं करना है, विच एवर इज लोअर। तो स्टेप नंबर वन का आंसर आर ई आर इक्वल टू 60,000। स्टेप नंबर टू एनुअल रेंट, एनुअल या फिर एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, ओके। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लेट आउट किया है तो कितने रेंट पे दिया है, कुछ दिया क्या, रेंट कितना है, हाँ अब आएगा वो 6,000, ठीक है, तो 6,000 × 12 ये एनुअल आ जाएगा, और अनरियलाइज रेंट देखो नीचे दिख रहा है ₹20 could not be recovered फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट, इसी का मतलब अनरियलाइज होता है, जो पैसे रिकवर नहीं हुए, तो 6,000 × 12 और इसमें से 20,000 माइनस, यस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूं ऐसे डिटेल में 72
उसमें से गए 20, ये आ गया 52,000। ओके, स्टेप नंबर 3, इसमें क्या था, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 की कंपैरिजन, राइट। तो स्टेप 1 का आंसर कितना है, 60,000, एंड स्टेप 2 सेज 52, विच एवर इज हायर, विच कम्स टू 52, अरे 60 क्या, यस 60। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 क्या था, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी के बारे में क्या बोला है, कछु बोला, यस सर, द हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 2 months, तो 2 months का कैसे निकालेंगे, 6,000 पर मंथ पता है ना, 6,000 पर मंथ है तो 2 महीने का 12,000 रुपए, सिंपल है ना, अगर किसी को दिया होता तो 6,000 रेंट मिलता, नहीं मिला, लॉस हो गया वैकेंसी की वजह से। तो स्टेप नंबर 5 में जीएवी इक्वल टू स्टेप 3 माइनस स्टेप 4, 60 माइनस 12, और ये आ गया 48,000। ओके, तो हमें मिल गया जीएवी 48,000, हाउस नंबर 2 के कॉलम में मैंने लिख दिया जीएवी, ब्रैकेट में लिख के रखा वर्किंग नोट 1, भाई बहुत बड़ी वर्किंग नोट की तेरे लिए 48,000। म्युनिसिपल टैक्सेस, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी हाउस नंबर 2 में देखो म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में क्या बोला हुआ है, म्युनिसिपल टैक्सेस 6,000, राइट। सर रिपेयर के लिए भी खर्चा किया, छोड़ दो यार, सर लीगल एक्सपेंस भी किया, भूल जाओ यार, सर एनुअल चार्जेस दिया है, अरे नहीं लेना मुझे कुछ इससे, बाकी बहुत सारे नाम दे देंगे आपको, फायर इंश्योरेंस देंगे, कुछ भी देंगे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन याद रखो जितने नाम उतना ही काम। यस टेंथ क्या कितना है म्युनिसिपल टैक्सेस 6,000, और क्लियर बोला है वो भी पेड है ना, इसलिए माइनस किया हमने, क्या गया 42,000। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 42,000 का 30%, 12,600। और बात रही इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की, देखो बच्चों कुछ दिया, सेकंड हाउस में कुछ दिख रहा है, लोन लिया, इंटरेस्ट पे किया, कुछ भी नहीं, क्यों बलजबरी कर रहे हो, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, हमको क्या लेना है, करो 42,000 माइनस 12,600, 29,400। ओके, ये तो आया हाउस वन हाउस टू, लेकिन दोनों के टोटल निकालो, क्योंकि हमें क्या निकालना है एट द एंड, इनकम फ्रॉम एचपी ना, तो टोटल निकालना है ना भाई, $45,400। वाह वाह, मतलब मैं बोलता हूँ बच्चों, अपना क्लास का जो टाइम है ना, ये तो मॉर्निंग का है, आफ्टरनून में है ना स्कूल वालों का भी क्लास रहता है अपने पास, 8, 9, 10 मैथ्स के लिए आते हैं बच्चे, आप आ जाओ, एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा फीस नहीं, उसमें ही कर लेंगे, ये निगेटिव सोला है बच्चों, ये पॉजिटिव है 13,400, ये आ गया देयर फोर टोटल इनकम फ्रॉम एचपी। मस्त था ना क्वेश्चन, 10 मार्क के लिए क्या चाहिए भाई, एकदम बढ़िया सर, एक नंबर, ये फॉर्मेट जो आपकी जिंदगी बदल, थोड़ा जिंदगी ज्यादा हो गया, लेकिन 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। देखो शांति से वापस दिखा रहा हूं मैं क्वेश्चन आंसर, ये रहा क्वेश्चन 6, जिसमें क्या दिया हुआ है, मयूर भाई के पास 2-2 घर है, पहला वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा तो जीएवी 0 होता है, और म्युनिसिपल टैक्स तो माइनस करते ही नहीं, मतलब एनएवी 0 ही आएगा, राइट, एनएवी 0 है तो उसका 30% वो भी 0 ही रहेगा, बस मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रही तो सब कुछ नील, एक ही अमाउंट आता है सिर्फ, कौन सा बोलो,
सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के कॉलम में सिर्फ एक अमाउंट आता है, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देखो ना बच्चों, सब कुछ नहीं लेना बाकी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का अमाउंट आएगा, अगर होगा तो, अगर नहीं होता तो वो भी जीरो आ जाता। ठीक है, हाउस टू के केस में हमें क्या क्या दिया है कि वो रेंट पे दिया है, 6000 पर मंथ रेंट है। तो जो रेंट, मतलब जितना रेंट मिलने वाला है, ये एनुअल या फिर एक्चुअल रेंट हम इसे बोल सकते हैं। क्लियर कट दिया हमें कि कुछ रेंट नहीं मिलने वाला, टेनेंट ने डुबा दिया, इसी को हम अनरियलाइज रेंट बोलेंगे। ओके, उसके बाद टू मंथ्स वैकेंट था, तो हमने क्या किया, 6000, अगर वन मंथ का रेंट है तो 6000 × 2, ये वैकेंसी लॉस ड्यू टू वैकेंसी आ गया। और हमारे फॉर्मेट से एक एक स्टेप करते गए तो सब कुछ आंसर मिल गया, ये रहा जीएवी, ये फाइनल आंसर। मतलब ये टेबल बच्चों याद रखो, वर्किंग नोट के सिवा टेबल नहीं बन सकता, एक्सेप्टेड, लेकिन सबसे पहले फिर भी टेबल ड्रॉ करो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या करो, जो पूछा है ना पहले वो बताओ, फिर आपकी वर्किंग नोट बनाओ। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, सक्सेसफुली वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हाँ, क्वेश्चन 7। अरे हाँ, आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, किधर जाऊँगा मैं आपको छोड़ के। हाँ, क्वेश्चन 7 देखो, मिस्टर रवि इज कॉस्ट अकाउंटेंट इन वीकी लिमिटेड मुंबई एंड ही गेट सैलरी ऑफ रुपीज 70,000 पर मंथ। अच्छी बात है भाई, अच्छी खासी नौकरी है, 70,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है मुंबई में। ही ओन्स टू हाउस, वन ऑफ विच ए हैज बीन लेट आउट टू बी एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर कंपनी। ओके, तो इनका कहना यह है कि इसके पास दो घर है, उसमें से एक इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। ठीक है ना, वो कौन से कंपनी को दिया, शायद से वो कुछ काम का है नहीं ऐसा मुझे लग रहा है, देखते। हाउस हैज बीन लेट आउट। ओके, आगे, विच इन टर्न वॉज प्रोवाइडेड टू हिम अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओ बाप रे, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रवि, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको? अरे बाप रे, ये क्वेश्चन तो थोड़ा डेंजर है। हाँ रुको, पहले इस घर के बारे में देखते हैं इनका क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक है, उसमें सैलरी भी डाल दिया उन्होंने एसपी के साथ में, तो हम उसको बाद में देखेंगे सेपरेटली। आशुतोष ओन्स 3 हाउस फॉर इज रेसिडेंशियल पर्पज। ओके, आशुतोष भाई के पास 3 घर है। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ दिस हाउस, और डिटेल्स भी दी हुई है, और डिटेल्स अगर देखो ना, मस्त एकदम टेबल में दे दी हुई है, एकदम जैसा चाहिए वैसा। म्युनिसिपल वैल्यूएशन चाहिए, देखो पहला आइटम, फेयर रेंट चाहिए, देखो दूसरा, स्टैंडर्ड रेंट चाहिए, तीसरा, म्युनिसिपल टैक्स चाहिए, चौथा, एकदम लाइन में दे दिया सब कुछ, और रिपेयर्स भी दिया हुआ है, तो हमारे काम का है नहीं रिपेयर्स, वो बात अलग है। आगे, ग्राउंड रेंट इज पेड एट 10% पर एनम ऑन नेट एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच हाउस। हर घर के बदले 10% इन्होंने ग्राउंड रेंट दिया है, तो सर इसका क्या करें? कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि फॉर्मेट में बैठता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट में नाम भी दिए होते हैं, उस नाम में डालना है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1 and 3 अमाउंटिंग टू 38,000 एंड 32,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, इंटरेस्ट पेड किया है किस पे? ऑन कैपिटल बोरोड फॉर, कैपिटल बोरोड फॉर रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, अगर आपको याद होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रही तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का लिमिट कितना है? 2 lakh, लेकिन लिमिट के लिए कंडीशन क्या है? द लोन शुड बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी। ये ना कंस्ट्रक्शन है ना एक्विजिशन है, ये रिन्यूअल है, तो इसके लिए 2 lakh का लिमिट नहीं है। ओके, एक एक वर्ड काम का है बच्चों, एक एक वर्ड काम का है, इसमें कुछ भी नहीं निगलेक्ट कर सकते हम। ठीक है, 38 और 32,000 दिया हुआ है। ठीक है, आगे, द लोन वॉज टेकन ऑन 1st June 2005। ओके, मतलब लोन कब लिया है? 1st April 1999 के बाद, राइट ना, वो बताना है उनको डेट बता के। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर आशुतोष फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22, मिस्टर आशुतोष हैज एक्सरसाइज न्यू टैक्सेशन रिजीम अंडर सेक्शन 115BAC। ओ बाप रे सर, अब ये 115BAC ये क्या है? नया है यह मार्केट में, नया है हमारे लिए। ठीक है,
हमारे लिए तो नया है, लेकिन देखते हैं ना क्या क्या दिया है। पर्सन का नाम क्या है? आशुतोष। ओके चलो, पहले तो 115 एबीसी बीएससी जो भी रहेंगे वो बाजू में रखते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं हम। ठीक है, देखो बच्चों, तीन घर दिए, ये तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है क्या? नहीं ना। यहां पे देखो क्या क्या दिया है, इसका मतलब क्या है सर? ये डीएलओ क्या होता है? डीएलओ का मतलब होता है डीम्ड लेट आउट, डीम्ड लेट आउट। और ये सेल्फ, ये एसओएच का मतलब क्या होता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सर तो फिर वो एज क्या है? एग्जैक्टली, हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ठीक है, ये दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बच्चों याद रखना, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि तीनों के तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ऐसा नहीं चलता। क्यों? मतलब रियलिटी में चलता है, आप 10 घर भी बाय कर सकते हो, आपके पास पैसा है, चाहिए उतना ले सकते हो, वो इशू नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स बोलता है कि कोई भी दो घर आपके खुद के बोल सकते हो आप, लेकिन अगर आपके दो से भी ज्यादा प्रॉपर्टी है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि आपने वो रेंट पे दे दिया है और आपको टैक्सेशन पे करना पड़ेगा। मतलब मान लो एग्जाम्पल, मेरे चार प्रॉपर्टी है, ठीक है, चार प्रॉपर्टी है जिसमें से चारों के चारों सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैंने कोई भी रेंट पे नहीं दिए, ठीक है, ऐसे रखे, इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में लगेंगे भाई, वही सबसे लेके रखे, चारों के चारों मेरे प्रॉपर्टी है, चारों के चारों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, चारों पे इनकम जीरो है क्योंकि मैंने किसी को रेंट पे दिया ही नहीं है, फिर भी दो घर पे मुझे इनकम दिखा के टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों ऐसा? अरे वो इनकम टैक्स ऐसा ही है, ऐसा ही हो इनकम टैक्स में, ये जो हेड है इनकम फ्रॉम एचपी, ये ऐसा एक सिंगल हेड है जहां पे एक्चुअल में इनकम नहीं भी होगा तो भी टैक्स भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी दो घर खुद के मान सकते हो, बाकी बचे हुए दो घर पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है चलो, वो तो क्वेश्चन आएंगे तब मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये सिचुएशन में आशुतोष भाई के पास तीन तीन घर है और हमें क्लियर दे दिया है सेकंड और थर्ड वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है और फर्स्ट वाला डीम लेट आउट है, तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब जीएवी मुझे बताओ बच्चों, ये तीन में से कौन से घर का जीएवी निकालना पड़ेगा? ओनली हाउस वन, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड का जीएवी जीरो होता है। ओके, कौन से? डायरेक्ट जीरो, नील होता है वो हमेशा। तो फटाफट से पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेट कर लेते हैं ड्रॉ। अब कितने कॉलम? पर्टिकुलर सर, तीन कॉलम बच्चों, जितने घर उतने कॉलम। तो भाई फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हो, पर्टिकुलर से तीन तीन कॉलम। ओके, पर्टिकुलर्स हाउस वन, नहीं एबीसी नाम दिया है यहाँ पे ना, नहीं वन टू थ्री है, ठीक है, लेकिन वन रोमन है, जैसे उन्होंने निकाला वैसे निकालेंगे हम। हाउस टू, हाउस थ्री, हाँ तो सबसे पहले हेडिंग दे देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अशु तोष,
आशुतोष ओके चलो बच्चों फटाफट से फॉर्मेट लिख लेते हैं बाद में कैलकुलेशन का सोचेंगे. फर्स्ट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. गावातून गेलं म्युनिसिपल टॅक्स उरलं काय फक्त नाव नेट एनुअल वैल्यू. लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन यस 24 फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% ऑफ एनएवी. And second is interest on borrowed capital. ये less करके आ जाएगा income from house property. Okay, sir, बाकी घर का तो जाने दो पहले जीएवी हाउस वन का तो निकालना ही पड़ेगा डीम लेट आउट है वो राइट. सो वर्किंग नोट वन का नाम कैलकुलेशन ऑफ जी ए वी ऑफ हाउस वन. ओके अब स्टेप नंबर वन म्युनिसिपल वैल्युएशन दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट. बच्चा इस बार दिया है बहुत कुछ दिया है देखो टेबल में म्युनिसिपल वैल्युएशन कितना है 82 और फेयर रेंट 75 तो 82,000 एंड 75,000 व्हिच एवर इज हायर. यस 82 आ गया. कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ. स्टैंडर्ड रेंट कितना है 70,000 विच एवर इज लोअर विच कम्स टू 70 देयरफॉर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आरईआर इक्वल टू 70,000. नेक्स्ट टिप नंबर टू एन्युअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट. ओके एन्युअल रेंट आईला कहीं पे दिख ही नहीं रहा एन्युअल रेंट तो पूरे क्वेश्चन देख लिया लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया है कि हमने कितने रेंट पे दिया राइट. एक्चुअल में बोलो ना बच्चों ये रेंट पे दिया हुआ ही नहीं है सर आप कैसे बोल सकते हो. अरे बच्चों हाउस वन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है डीएलओ डीम्ड लेट आउट. डीम्ड मतलब एज्यूम किया है. अगर दो से ज्यादा घर हो ना तो हमें एज्यूम करना पड़ता है कि हाँ भाई ये लेट आउट है हमने एज्यूम किया हुआ है. एज्यूम किया मतलब रेंट थोड़ी एज्यूम रहेगा भाई जो एक्चुअल में पैसे आए तो ऐसा कुछ नहीं होगा. एनुअल रेंट नहीं है एक्चुअल रेंट नहीं है. और तो फिर अगर किसी को रेंट पे दिया ही नहीं तो डूबने का सवाल भी नहीं आता. बच्चों भी नहीं आएगा स्टेप नंबर टू में. नाउ स्टेप नंबर थ्री स्टेप वन स्टेप टू 70,000 और यहां पे है नील. नील वो लिखो जीरो लिखो विच एवर इज हायर या आ गया 70 कंपैरिजन विथ स्टेप नहीं स्टेप नंबर फोर
लॉस ड्यू टू वैकेंसी। यस यस, क्या बोल रहे हो? ये आ जाएगा नील। सर देखो तो सही एक बार, अरे अगर किसी को रेंट पे दिया ही नहीं था, डीम टू बी लेट आउट है, एज्यूम किया हमने लेट आउट का, तो डूबेगा कहां से, वैकेंसी कहां से आएगा। लास्ट इज स्टेप नंबर 3 माइनस स्टेप नंबर 4, 70,000 माइनस 0 बोले तो जी भी आ गया 70,000। ओके तो जी भी टेबल में मैंने वैल्यू इनपुट कर दिया 70,000, लगे तो आप ब्रैकेट में लिख के रख रहे हो वर्किंग नोट नंबर 1। ओके अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स देखो फर्स्ट हाउस में कितना है, 8,200 करेंगे लेस, उसका 30%, 18,540। यस हम करेंगे इसमें से लेस। और इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल, हाँ इंटरेस्ट के बारे में नीचे दिया है बच्चों, टेबल में तो नहीं दिया, नीचे लिखा है, ध्यान से देखो अभी क्या क्या दिया है। ग्राउंड रेंट इस पे 10%। ओके 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 ओके, ये ग्राउंड रेंट कुछ काम का है नहीं, रिपेयर नहीं, क्यों काम का नहीं, क्योंकि हमारे फॉर्मेट में नहीं है, दैट्स इट। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 3, 1 एंड 3 दोनों रिन्यू किए और उसका रेंट उनका इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना है, 38 और 32। बच्चों रिन्यूअल के लिए अगर लोन लिया मतलब और उसके उसपे इंटरेस्ट पे किया तो लिमिट कितने का है। अरे सबसे पहले ये देखो कि सर प्रॉपर्टी लेट आउट है ऑक्यूपाइड है, अगर लेट आउट है ना उसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है। फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ना कोई कंडीशन है ना कोई लिमिट है, जितना है डायरेक्ट लिख दो, समझ रहे हो। तो हाउस नंबर 1 तो लेट आउट है तो उस पे कितना इंटरेस्ट, 38,000 कर दो लेस। अगर इधर गलती की ना बॉस, ये कैलकुलेशन गलत किया तो बस फिर तो गेम। 5,260 मतलब दोनों भी लेस किया ना, 61,800 उसमें से दोनों भी लेस करेंगे, 18 वाला भी 38 वाला भी। ओके ये निपट गया हाउस 1 का। हाउस 2 में जीएबी कितना लिखूं, नील। म्युनिसिपल टैक्स तो कहीं नॉट एप्लीकेबल, माइनस नहीं कर सकते, एनएवीबी नील और 30% भी नील। और अगर आप देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सिर्फ हाउस 1 और हाउस 3 के बारे में दिया है ना, तो 2 में तो वो भी नहीं आएगा, वो भी नील। अगर नील नील इंद्रनील डाल सका। नेक्स्ट हाउस नंबर 3, यहां पे भी जीएवी नील क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। म्युनिसिपल टैक्सेस इज नॉट एप्लीकेबल, माइनस नहीं कर सकते, नेट एनुअल वैल्यू नील, तो उसका 30% भी नील। अब सोचते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में। ओके कितना अमाउंट बच्चों, 32,000। अब ये 32,000 इंटरेस्ट दिया हुआ है ओके, लेकिन लेकिन हाँ, क्योंकि अगर आप सोचो कि वहां पे कुछ भी नहीं दिया है बच्चों, अगर आप देखो उन्होंने 32,000 दिया है और क्लियर कट दिया है कि रिन्यूअल के लिए लिया है, ठीक है, मतलब कंडीशन तो ब्रेक हो रही है तो क्लियर कट है, 2 लाख का लिमिट नहीं चलेगा, तो सिर्फ 30,000 तक का लिमिट है, हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लेस करेंगे 30,000। ये 30,000 मैंने ले लिया था, लेकिन बच्चों कहानी में ट्विस्ट आ गया, कहानी में ट्विस्ट आ गया, यहां पे ट्विस्ट है। ओके डोंट वरी बच्चों, आपको अगर कट भी करना पड़े ना, जस्ट अ सेकंड, अगर मेरे वजह से नहीं दिख रहा है, कट भी करना पड़े तो ऐसा कट करना कि आपको समझे, आपको ध्यान में रहे कि हमने कट किया और क्यों किया है। ओके ये इंटेंशनली मैंने 30,000 लिखा, इसका रीजन ये था कि अगर आपके पास कोई पुराना बुक होगा, फॉर एग्जांपल आपने आपके सीनियर से या फिर आपके ब्रदर सिस्टर जो भी थे, आपके एक्स स्टूडेंट जो थे, उनसे अगर बुक आपने लिया और अगर
सेम क्वेश्चन अगर आपको मिल भी जाए इन केस, अगर मिल गया तो आपको यहां पे 30,000 लेस किया हुआ मिल जाएगा, ओके। लेकिन बच्चों टैक्स में अमेंडमेंट होता रहता है। अमेंडमेंट मतलब क्या? टैक्सेशन ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हमेशा चेंज होते रहते हैं, सो टैक्सेशन में जो न्यू चेंज होते हैं उसे बोलते हैं अमेंडमेंट, ओके। सो एज पर द अमेंडमेंट जो न्यू टैक्सेशन रिजिम आया हुआ है तो उसमें 1 अप्रैल 2020 के बाद डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इस पर डिडक्शन अलाउड नहीं है, यहां पे भी नील आएगा। नेक्स्ट फाइनल आंसर ऑफकोर्स नील, और आपको ऑफकोर्स मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, अभी तो मैं इसकी नोट लिख दूंगा आपको और ये पॉइंट वापस मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट सेशन में, और फिर हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो टोटल ले लो तीनों का, क्या बात है, ओरली ले लिया खतरनाक। देयरफॉर टोटल, अरे 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 अरे, टोटल इनकम फ्रॉम एचपी ये आ गया 5260, ओके। बच्चों ये तो कर लिया हमने, इसके बाद कुछ नोट लिखना भी जरूरी है, तो नोट लिख रहे हो आप मेरे साथ। बच्चों वर्किंग नोट और नोट में फर्क है, वर्किंग नोट मतलब कैलकुलेशन और नोट मतलब पॉइंट, ये हमने ऐसा क्यों किया, लॉजिक रीजन, ओके। तो नोट, नोट्स में नोट्स में याद रखो, इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी डीम लेट आउट है, आपने देखा ना वहां पे डीएलओ, मतलब एक्चुअल में हमने दिया है कि किसी को रेंट पे नहीं, एज्यूम किया है कि रेंट पे दिया है, तो इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी आर ई आर बोले तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और ये हमें कहां पे मिला था, स्टेप नंबर 1 में, सो आर ई आर विल बी जीएवी। मतलब अगले क्वेश्चन से, मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको सब कुछ करवाया, लेकिन अगले क्वेश्चन से याद रखना, अगर प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट है बच्चों, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको ब्रैकेट में डीम्ड लेट आउट है, तो समझ जाओ स्टेप नंबर 1 सॉल्व करो, जो आर ई आर आया ना रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, वही फाइनल जीएवी रहेगा। सर ऐसा क्यों? अरे देखो बच्चों, अगर हमने एक्चुअल में रेंट पे नहीं दिया तो एक्चुअल रेंट 0 आएगा, तो कंपैरिजन करेंगे तो स्टेप नंबर 3 1 एंड 2 में तो 1 ही बढ़ाएगा, और अगर हमने किसी को रेंट पे दिया ही नहीं तो वैकेंसी का सवाल ही नहीं आता, राइट। अगर वैकेंसी भी नहीं है तो माइनस क्या करेंगे, तो 3-4 वही आंसर आएगा जो स्टेप नंबर 1 का आंसर था। तो इसके आगे याद रखो, मैंने इंटेंशनली करवाया लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करवाऊंगा आपसे, एक्स्ट्रा काम नहीं करवाऊंगा, बस याद रखना डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आर ई आर इज इक्वल टू जीएवी, ओके। नेक्स्ट क्या था, इंटरेस्ट का नोट, इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल, इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी there is no maximum limit for interest on borrowed capital, next पॉइंट नंबर 3, अंडर द न्यू टैक्सेशन रिजीम, ब्रैकेट में लिखो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, WEF मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब उस दिन से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, फॉर सेल्फ
ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रही, और सर हमें तो ये भी नहीं समझा कि आप न्यू टैक्सेशन रिजिम का नाम क्यों ले रहे हो। बच्चों यहां पे वो जो लास्ट में क्या दिया हुआ है, देखो लास्ट लाइन एक्सरसाइज आशुतोष हैज एक्सरसाइज न्यू टैक्सेशन रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। अगर हमें ये लाइन नहीं दी होती, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर ये लाइन नहीं दी होती न्यू टैक्सेशन रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी, तो मैंने जो 30,000 लिखा था ना बच्चों, ये देखो ये 30,000 मैंने लिखा था इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल, ये वाला ये राइट होता था। ओके, ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आशुतोष ने न्यू टैक्सेशन रिजिम अप्लाई किया है 115 बीएसी वाला। अगर वो अप्लाई करे तो इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल अलाउड नहीं है। अदरवाइज आप बोलोगे सर आपने वो पहले सिखाया वो गलत था क्या, फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड पे इंटरेस्ट माइनस ही नहीं करते? नहीं बच्चों, करते हैं। 30,000 और 2,00,000 वो जो सिखाया मैंने सब कुछ राइट है। बस याद रखो, अगर क्वेश्चन में दे दिया न्यू टैक्सेशन रिजिम अंडर सेक्शन बीएसी, तो इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल एक भी रुपया लेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट जीरो। अगर वहां पे 10,000 होता तो भी नहीं करते बच्चों, ठीक है? तो स्टूडेंट्स ये देख लो क्वेश्चन आंसर शांति से, एक एक अमाउंट ठीक से देख लेना, कुछ भी मिस्टेक ना हो, वर्किंग नोट और नोट भी परफेक्ट होना चाहिए। ओके, यस, ये टेबल आपके सामने, टेबल पूरा रखा हुआ है, देख लीजिए 10 सेकंड के लिए। उसके बाद ये जीएवी का कैलकुलेशन स्टेप नंबर 1 पे ही रुक जाते तो भी चलता था, राइट? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डेफिनेटली रुक जाएंगे अगर प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट रहा तो। और ये नोट्स इतने ही जरूरी है बच्चों, ये नोट्स कभी अवॉइड मत करना, मतलब एग्जैक्ट एग्जाम के पहले दिन जब आप रिवाइज करोगे टैक्सेशन, तब भी आपको ये सब नोट्स रिवाइज करने हैं। क्योंकि आप अगर टैक्सेशन का स्टडी करने बैठोगे ना बच्चों, तो एक दिन में पूरा टैक्स कभी रिवाइज होता ही नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो यार, टैक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एग्जाम के पहले दिन पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं हो सकता, लेकिन सब वैरायटी कवर हो सकती है। और वैरायटी कवर करने के लिए नोट्स जरूरी है, जिसमें आपको सब कुछ कंक्लूजन शॉर्ट में समझ जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या किया जाता है। स्टूडेंट्स तो आज फर्स्ट लेक्चर था प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला, इसलिए हमने ट्रेलर देखा, छोटे से क्वेश्चन देखे, दो ही क्वेश्चन देखे। हम धीरे धीरे होले होले बढ़ाते जाएंगे टाइम और स्पीड। ओके चलो बच्चों, तब तक के लेता हूं आपसे विदाई, अलविदा, टेक केयर स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।